हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR10। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हैं हमारे जो मतलब युवा लोग होते हैं। बहुत सारी मोटरसाइकिल परचेज होती हैं डेली, हजारों करोड़ों मोटरसाइकिल मतलब परचेज होती हैं। बट उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा मजबूर होकर फाइनेंस कराते हैं गाड़ी, और कुछ ऐसे तो जिन पर कैश ले लेते हैं जिनका बजट होता है। पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ बताऊँगा कि अगर आप एक बैंक की जब्ती गाड़ी, यानी बैंक जो जब्त कर लेती है गाड़ी, वो गाड़ी कैसे आप खरीद सकते हो आसानी से। इसके वीडियो के पार्ट टू आएंगे, मतलब ये दो पार्ट में वीडियो आएगी। पहला पार्ट ये है जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पता लगेंगी, और दूसरा पार्ट जो होगा वो डिटेल वीडियो का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वीडियो स्किप मत करना, जल्दी से वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जब हम बाइक परचेज करने जाते हैं किसी शोरूम में, सबसे पहले आप पूरे के पूरे ये जो पैटर्न है इसको समझ लो आप। जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं एक मोटरसाइकिल परचेज करने जा रहा हूं किसी शोरूम में, तो शोरूम में जब मैं मोटरसाइकिल परचेज करने जाऊंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है फाइनेंस का, दूसरा होता है कैश का। अगर मैं कैश बाइक परचेज करता हूं तो मुझे उसकी पूरी पेमेंट हैंड टू हैंड करनी पड़ती है, जिसके बाद मुझे बाइक मिल जाती है, जिसमें बैंक का कोई भी लेना देना नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है EMI का, फाइनेंस का। तो फाइनेंस के लिए जब मैं शोरूम में जाता हूं, तो देखो फाइनेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंक आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस भी होते हैं। आपने प्राइवेट फाइनेंस का नाम सुना होगा, प्राइवेट फाइनेंस हो गया, सरकारी फाइनेंस हो गया, और भी बहुत निजी कंपनियां होती हैं उनसे फाइनेंस हो जाती है, तो इनका सिस्टम होता है। इस वीडियो में मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो जब हम बाइक परचेज करने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि फाइनेंस जो हमें कर रहा है बंदा, वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर रहा है। 12% से कोई करता है, 10% से कोई करता है, 6% से कोई करता है, 18% से। वो डिपेंड करता है हमारी और उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि हम कहाँ पर कम्फर्ट हो रहे हैं, और जिस बैंक से हम कम्फर्ट होते हैं उसमें अपने पेपर सबमिट करके उस बैंक से हम अपना लोन EMI ले लेते हैं। लोन कौन सा होता है? जो बाइक पसंद कर रहे होते हैं उस बाइक का लोन अमाउंट हमें मिल जाता है। और कुछ बैंक होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे सिविल पर हमें कुछ भी मतलब अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, और हमारे को आराम से बाइक परचेज मिल जाती है, मतलब बाइक मिल जाती है। पर अब अगर हमारा सिविल अच्छा नहीं होता है, या पहले हमने कभी कोई बाइक नहीं खरीदी होती है, तो हमें कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये हमें देनी पड़ती है, 20,000 देने पड़ते हैं, वो तो है ना, मिनिमम डाउन पेमेंट इतनी देनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपको बाइक मिलेगी। तो ऐसे कुछ लोन अमाउंट क्लियर होते हैं। अब यहाँ पे बात आपको एक समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहली चीज, जब हम बाइक लेते हैं और हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, तो जो बाकी की पेमेंट बचती है, फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 लाख की बाइक आपने खरीदी और 50,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट में गाड़ी दे दी, मतलब गाड़ी बैंकर को दे दी, तो उसमें क्या होगा, उस 50,000 में जो बैंकर होगा, जो वहाँ पर बैंकर वाला बंदा बैठा होगा, उसमें कुछ अमाउंट डाल के वो जो लोन अमाउंट है उसको टोटल पूरा करके वो शोरूम के मालिक को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद वो शोरूम का मालिक का जो और आपका कनेक्शन बिल्कुल साइड हो जाता है, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन हो जाता है वो हो जाता है बैंकर से, ठीक है? फिर बैंकर क्या करता है, जब आप बाइक लेके चले जाते हो अपने घर पे, तो हर महीने की किस्त बन जाती है, जो कि आपके कंफर्टेबल के हिसाब से बनती है। कोई 3 साल की भी बनवाता है, कोई 5 साल की बनवाता है, और कोई 6 महीने की बनवाता है। तो इस तरीके का सेटअप पूरा बन जाता है। अब बैंकर जो होता है वो ये कहता है कि किस्तें आप ऑटोमेटिक भर सकते हो, या फिर आपके घर पे कोई बंदा आएगा उसको किस्तें भी दे सकते हो। इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, जब गाड़ी परचेज करते थे, कोई बंदा फाइनेंस कराता था, तो दो चाबी की जगह एक चाबी मिलती थी। एक चाबी तो फाइनेंस वाले को मिलती थी, और दूसरी चाबी वो ऑनर को देता था जो गाड़ी खरीद रहा था। और अगर ऐसा क्यों करता था, अगर गाड़ी की किस्तें नहीं भरती टाइम पर, तो वो एक सिंगल चाबी जो उसने बचा ली है उससे अपनी गाड़ी की चाबी ऑन करे और गाड़ी को लेके सीधे बैंक में जमा कर दे, क्योंकि गाड़ी किस्तें पूरी नहीं हुई है। बट सरकार ने ऐसी अथॉरिटी बंद कर दी है। सरकार ने सीधा कहा है कि आप अगर लोन प्रोवाइड करो तो अपने रिस्क पे प्रोवाइड करो, इसमें कोई भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही RC जब्ती करने का, ना ही बाइक की चाबी जब्त करने का, ठीक है? तो ये चीज़ तो भी बंद हो गई है। अब क्या चीज़ है, इसको थोड़ा और बाइक ही समझते हैं, थोड़ा डीपली, ठीक है ना? जब हम बाइक को पूरा कंप्लीटली परचेज कर लेते हैं 50,000 डाउन पेमेंट पर, 1 लाख का लोन बनवा के, तो हमारी 3 साल की किस्तें बन जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी अमाउंट की किस्तें बन जाती हैं। अब किस्तों का जब टाइम होता है, तो पहली किस्त भर देते हैं, दूसरी किस्त भर देते हैं, तीसरी भर देते हैं। शुरू की जो किस्तें होती हैं, बैंक उसमें कोशिश करता है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, और बाद की जो किस्तें होती है उसमें कोशिश करता है बैंक वो जो बाइक का अमाउंट है उसको निकालने का। अब जब कुछ लोग होते हैं जो 6 महीने किस्त भरने के बाद काफ़ी टाइम तक किस्तें नहीं भर पाते हैं, तो क्या करती है बैंक, उनके घर पे एक नोटिस जारी करते हैं कि भाई आपको ये जो किस्तें हैं ये पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर इंटरेस्ट आपकी गाड़ी में लगता रहेगा और आपका जो लोन अमाउंट है 30,000 या 40,000 वो बढ़ बढ़ के बढ़ता जाएगा। तो ये करने के बाद 1-1.5 महीने बीतने के बाद जब वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है ऑनर, तो उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक अपनी टीम को भेज के वो गाड़ी को उठवा लेता है, जहाँ से भी वो गाड़ी खड़ी होती है वहाँ से उठवा लेता है। वो डिपेंड करता है उनकी और उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर, टीम के ऊपर, ठीक है? वो गाड़ी उठवाने के बाद बैंकर को पूरा इसका पूरा राइट होता है कि वो पूरे लीगल पॉर पे, लीगल मतलब प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से वो उस बाइक को उठवा कर
अपने यार्ड में जो उनका एक हर बैंक का जो प्राइवेट फाइनेंस करते हैं या जो मतलब प्रोडक्ट फाइनेंस करते हैं, हर एक बैंक का एक प्रॉपर यार्ड होता है, ठीक है। अब उस यार्ड में जो वो फाइनेंस करता है उस प्रोडक्ट को जिसकी किस्तें नहीं भरती हैं उसको उस यार्ड में जमा कर देते हैं। अब उस यार्ड में जब जमा होती है बाइक उसकी, तो उस ओनर को दोबारा से एक प्रॉपर मेल भेजा जाता है या फिर एक लेटर भेजा जाता है या उसे कॉल प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप चाहते हो कि आपको बाइक मिलनी चाहिए तो आपको इस लोन अमाउंट को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, जो किस्तें ड्यू रह गई हैं। तो उसके डेढ़ महीने, एक डेढ़ महीने तक का उसमें टाइम मिलता है। अब जब ये टाइम पूरा हो जाता है और ऑनर जो है बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता, तो इस चीज़ का बैंकर को पूरा राइट होता है कि जो उसमें पैसा फंसा हुआ है उसका, वो उस बाइक को बेच कर उससे निकाल ले। अब इसको कहते हैं नीलामी, बैंक की जब्ती हुई गाड़ियों की नीलामी करना। अब सिर्फ एक गाड़ी तो होती नहीं है, हजारों गाड़ियाँ होती हैं जिनकी किस्तें पूरी नहीं भर पाती हैं। हम गाड़ी ले लेते हैं आसानी से, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोटरसाइकिल ले लेते हैं पर उसकी किस्तें नहीं भर पाते हैं। अब किस्तें ना भरने की वजह से बैंक जो है वो गाड़ी जमा कर लेता है और अपने यार्ड में भेज देता है। ऐसे कर करके जब बहुत सारी उनकी बाइकें इकट्ठी हो जाती हैं और बाइकें वो जो ऑनर होते हैं वो नहीं ले जाते हैं, तो यार्ड से बाइक नीलामी के लिए ऑक्शन में जाती है, ठीक है ना। अब जब ऑक्शन में जाती हैं तो कुछ ऐसे डीलर होते हैं जिनको बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करके इस तारीख को नीलामी है और आप इस तारीख को आके बोली में शामिल हो सकते हो। अब इसका क्या प्रोसेस होता है, जो डीलर होते हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कुछ ऐसी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, व्हीकल दुनिया के नाम से भी है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा, जो इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ अमाउंट होता है या फिर हो सकता है फ्री हो वो, तो पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें एक टाइम मिल जाता है और एक डेट मिल जाती है और कौन सी जगह पर ऑक्शन होगा इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है। उसके बाद वो जो डीलर होते हैं वो, या फिर आप भी जा सकते हो, एक मिडिल क्लास का या एक नॉर्मल क्लास का बंदा भी जा सकता है, एक सिंगल बाइक भी खरीद सकते हो, 100 बाइक भी खरीद सकते हो, 50 बाइक भी खरीद सकते हो, 5 बाइक भी खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका एक पास मिलता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक पास मिलेगा आपको यार्ड के अंदर जाने का या फिर नीलामी के ऑक्शन में जाने का। इसका एग्जैक्टली मैं आपको एक पार्ट टू में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो डीलर होता है और जो जो भी बंदा होता है जो पास होता है इसके पास, वो यार्ड में भी बाइक देख सकता है और यार्ड से भी बाइक अपने खरीद सकता है, पर जब ऑक्शन में बाइक जाती है तो वहाँ से भी खरीद सकता है, पर उसको नॉलेज चीज की होनी चाहिए। यार्ड का जो पास होता है उसमें एक पास पर दो बंदों की एंट्री होती है, ठीक है ना। और जो नीलामी को होता है उस नीलामी में मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेट करता है बंदा वो अपने साथ एक दो बंदों को ला सकता है। पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जब ये बाइक नीलामी हो रही होती है नीलामी ऑक्शन के अंदर, जो भी एरिया डिसाइड होता है उसके अंदर, तो बाइक स्टार्ट करके या बाइक को आप इंजन को चेक नहीं कर सकते। नॉर्मली सिर्फ आपको मॉडल बताया जाएगा और जो मीटर में किलोमीटर होगी वो आपको बताई जाएगी, हो सकता है वो डिजिटल मीटर तो वो भी ना बता पाए, ठीक है। अगर आप उस बाइक में बोली लगाकर उस बाइक की चीज़ को मतलब एग्जैक्ट क्रैक कर लेते हो तो वो बाइक आपकी हो जाएगी और आपको वो पैसे पे करने पड़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आप बाइक को परचेज कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपको एक पूरा एनओसी लेटर मिलना चाहिए जिसमें लिखा होता है, एनओसी का मतलब तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब ये कि आप अगर ये बाइक परचेज कर रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि कल को बैंक वाले कोई भी ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकते हैं, इसका पूरा सर्टिफिकेट होता है एनओसी जिसे कहते हैं, ठीक है, ताकि गाड़ी इजीली आपके नाम पे हो जाती है। अब आपको इस चीज़ का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है और जिससे आप बाइक परचेज कर रहे हो जिस भी डीलर से, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बाइकें होती हैं अगर वो प्राइवेट फाइनेंस की होती हैं, तो जैसे मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है बजाज की और वो अपनी प्राइवेट फाइनेंस करती है, उसका ऑनर प्राइवेट फाइनेंस करता है, तो वो भी आपका नीलामी वहाँ कर सकते हैं और आपको वो बाइक आपके नाम पर भी करवा सकते हैं, पर उसका एक आपको पूछना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, उसकी डिटेल वहीं से लेनी पड़ेगी, वहीं पर आपको मिलेगी। अलग अलग एरिया में, अलग अलग सिटी में अलग अलग जानकारियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, बट यहाँ का जो पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो हमारी कुछ उच्च सिटी है उसका यही पैटर्न है, मैंने जहाँ तक स्टडी करी, गूगल पे इस पर पता लगाया, क्रोम में पता लगा, बाकी मैं इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो एक और पार्ट में दूंगा जिसमें आपको मैं एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो बाकायदा मैं आपको वहां जाके भी बताऊंगा इस तरीके से वहां जाया जाता है, बट उसके लिए मैं जब भी करूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और ये जो बेसिक चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है इसको आप थोड़ा सराहोगे और इस वीडियो को शेयर करके काफी सारे लोगों तक पहुंचाओगे। अगर मेरी इसमें दी गई जानकारी 1% भी आपके काम आई है या फिर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वर्कशॉप पे अगर मेरी आना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्यूजडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मोटरसाइकिल की मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, ऐसी हजारों वीडियो मैंने मोटरसाइकिल की नॉलेज की डाल रखी है, इंजन की, बेसिक सर्विस की, माइलेज की, पिकअप की, हर चीज़ की मैंने मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग वीडियो डाल रखी है, तो एक बार जरा मेरे चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।